दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों आप सबकी विशेष डिमांड पर आज हम लेकर आ रहे हैं हुंडई की एक शानदार गाड़ी i20। जो दोस्तों ये i20 वो है जो कि अपग्रेड होकर आई है, यानी लेटेस्ट i20 का आपको मिल रहा है लेटेस्ट रिव्यू। और कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं, यानी इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं सब आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, साथ ही आप हुंडई की किन और गाड़ियों का रिव्यू देखना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए डीलरशिप का कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप यूपी वेस्ट से हैं तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलने वाली है i20 के लेटेस्ट मॉडल के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए इसका एक्सटीरियर व्यू i20 का, और करंट में ये मिलती है पेट्रोल के 4 वेरिएंट्स के साथ जिसमें मैग्ना प्लस स्टार्ट होता है 6.49 लाख से, और 1197 cc का मैनुअल पेट्रोल इंजन आता है 18.6 kmpl के ज़बरदस्त माइलेज के साथ अगर आप सेगमेंट की बात करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसका एक्सटीरियर व्यू। तो दोस्तों देखिए इसका एक्सटीरियर व्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका स्पोर्ट्स मॉडल, यानी कि जो आपका आता है सेकंड मॉडल वो आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स प्लस के नाम से i20 यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में थर्ड आता है स्पोर्ट्स प्लस ड्यूल टोन, और इसके बाद में लास्ट आता है एस्ट्रा ऑप्शन। और ये चारों ही मॉडल पेट्रोल में आते हैं, सेम बिल्कुल इसमें माइलेज आता है, मैनुअल वेरिएंट्स हैं, 18.6 का माइलेज आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अन्य डिटेल्स देख सकते हैं। और फ्रेंड्स i20 के बारे में आप जो भी सोचते हैं यहाँ पर आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको गाड़ी कैसी लगती है, ख़ास तौर से बिल्कुल इस कलर वेरिएंट्स में आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है हमें लिखिए। और आपको इसकी पावर्स के बारे में भी हम बता देते हैं। पावर्स आती है 81.86 bhp 6,000 rpm पर, सीटिंग कैपेसिटी 5 है, और 117 Nm का टॉर्क देती है 4,000 rpm के साथ। और अगर आप बात करें इसके बूट स्पेस की, 285 का ज़बरदस्त बूट स्पेस मिलता है, और फ्यूल टैंक्स होता है 40 लीटर्स का। इसके अलावा अब आपको इसके इंटीरियर के फीचर्स भी हम शेयर कर देते हैं। देखिए आपको इंटीरियर के फीचर्स दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम डोर ओपन करते हैं। इस गाड़ी का बॉडी कलर से मैच होते हुए यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, ज़बरदस्त स्टाइलिश लगती है गाड़ी, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। और हुंडई की दोस्तों ये वही गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है i20 अपने नाम से। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए इसका डिस्प्ले, यहाँ पर देखिए ये, आप देखिए इसका टच स्क्रीन, ये पूरा सिस्टम्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, या सेफ्टी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एलॉय व्हील्स हैं, ये सारे आपको वेरिएंट्स वाइज आपको बहुत कुछ फीचर्स इसमें मिल जाते हैं जैसे जैसे आप करते हैं। फ्रंट में आपको फॉग लाइट्स मिलती हैं, पावर विंडो आपको ऑल टू ऑल मिलते हैं, और ड्राइवर साइड विंडो पर आपको मिलते हैं इसके वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और यूटिलिटी स्पेस भी सेगमेंट में सबसे अच्छा आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है, मैनुअल वेरिएंट है, यहाँ पर आप देखिए, और ये देख सकते हैं 5 स्पीड में यहाँ पर, और ये पूरी साइड आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर, और ये देखिए, अब आप देखिए ड्राइवर साइड में हेडरेस्ट है, आप बिल्कुल इसे एडजस्ट कर सकते हैं सीटों को, और काफ़ी अच्छा आपको इसमें सपोर्ट्स मिलता है, यानी बिल्कुल कंफर्टेबल अगर आप लॉन्ग रनिंग भी कर सकते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी ये मानी जाती है पावरफुल इंजन के साथ। और सेफ्टी में भी इस गाड़ी का जवाब नहीं है, क्योंकि ऑल टू ऑल सभी सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको रियर में भी पावर विंडो मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलिटी स्पेस है इसका, या यहाँ पर ये एसी वेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, और ये आप बैक में से यहाँ देखिए इसका पूरे डोर हैंडल्स हैं, यानी स्पेस हैं, ये आपको जो भी लुक नज़र आता है यहाँ से आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप गाड़ी का स्पेस, ये आपको नज़र आ रहा है, ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग है, एसी है, और ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। तो आपको हमने इंटीरियर दिखाया, एक्सटीरियर दिखा दिया, इसके अलावा अन्य फीचर्स भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं, तो देखते रहिए। तो आपको ये कलर वेरिएंट्स कैसा लगता है यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स मॉडल में ये, और इसका प्राइस वगैरह भी हम शेयर कर देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात बताते हैं, आप जब भी कोई भी गाड़ी किसी भी ब्रांड की परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है सर्विस कॉस्ट कितनी है। तो इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है, जो 3000 से भी कम होती है अप्रॉक्स 5 ईयर्स, जाती है लगभग 2700 के आसपास केवल, यानी इतनी कम सर्विस कॉस्ट में आपको ये इतनी शानदार गाड़ी मिलती है तो बिल्कुल बेहतरीन डील हो सकती है। साथ ही इसमें मेन फंक्शन में टच स्क्रीन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, फॉग लाइट्स हैं,
ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग है, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर हुंडई ने इसे फुल कंफर्ट और फुल पैकेज के साथ अपग्रेड किया है। तो आपको गाड़ी कैसी लगती है कमेंट्स में अवश्य लिखें। इसके अलावा किस अन्य गाड़ी को आप देखना चाहते हैं हमारे रिव्यू में वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, डीलर का एड्रेस, जहाँ पर जाकर आप अपने लिए गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अन्य कोई चैनल की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखते रहें। और हम मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टेक सेफ, सड़क पर रखिए सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड स्पीड इज़ द सेकेंड। नमस्कार दोस्तों। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।